Hey guys, good morning. Welcome to my new vlog. तो भाई रात के 10 बजने वाले हैं, vlog start कर रहा हूँ because अभी मैं जा रहा हूँ यहाँ से दिल्ली, because कल मेरे को जाना है मुंबई. सुबह सुबह की फ्लाइट है मेरी, क्योंकि कल है इंडिया का सेमीफाइनल मैच. तो मुझे अपॉर्चुनिटी मिले वहाँ जाने की तो कह ही छोड़ सकता हूँ ना. जल्दी से रात के 10 बजे निकल रहा हूँ मैं, पता नहीं रात को 2-3 बजे कब पहुँचूंगा, लेकिन पहुँचना है भाई, बिकॉज सुबह की फ्लाइट है, मैच मिस नहीं होना चाहिए. जल्दी से सामान पैक करता हूँ, निकलता हूँ सीधा. बिल्कुल अभी अभी कंफर्मेशन आया मैच का, तो मैं तो अभी निकल रहा हूँ. मैं एडिटिंग भी नहीं करी है, मैंने कुछ भी नहीं करा भाई. जल्दी से मैंने सामान पैक कर लिया, 2 जोड़ी कपड़े पैक कर लिए मैंने. तो गाइज मैं तो रेडी हूँ निकलने के लिए, बैग वैग पैक कर लिया मैंने. और टाइम देखो, पूरे रात के 10:10 हो गए हैं. तो पहली बार रात के 10 बजे निकल रहा हूँ मैं दिल्ली के लिए. साथ में साहिल और चाचा जी भी जा रहे हैं. जाने से पहले मम्मी जी कुछ समझाना चाहती है मुझे, तो देखते क्या समझाती है. समझाओ. तेरे को नींद नहीं आएगी गाड़ी चलाने? नहीं आ रही नींद, मैं वैसे रात को 2-3 बजे तक जागे रहता हूँ. शुक्रलु क्या हो गया, फोन ऐसे चला रहा है ना ये. मैं जा रहा हूँ, दुख नहीं हो रहा? नहीं. खुशी हो रही होगी ना कि फोन चलाने को मिलेगा? हाँ. खुशी हो रही होगी ना? हाँ. मेरे को क्या फर्क पड़ता है भाई, लेट हो गए, 10-20 हो गए. प्रणाम. 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 कहाँ जा रहे हो? मेरे को मुंबई जाना है मैच देखने. हाँ मैं निकल रहा हूँ. ठीक है, अच्छा अच्छे से फोन चलाना. ठीक है. चलो भाई घर से निकल गए चाचा जी, मैं और साहिल. ये तो दिल्ली रुकेंगे, लेकिन मेरे को जाना है मुंबई मैच देखने के लिए. ओके मम्मी जी, बाय बाय. टेंशन मत लेना मम्मी जी, आराम से चलाऊंगा, आराम से जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है. गाइस टाइम देखो, रात के 1 बज चुके हैं, 101, और किलोमीटर भी 101. दिल्ली पहुंचने वाले गाइस सिर्फ 20 किलोमीटर रहेगा. देखो 20 किलोमीटर पता ही नहीं चला ना. पता ही नहीं चला भाई. गाइस मैं कभी रात को ट्रेवल करता नहीं, मुझे डर लगता है रात को ट्रेवल करने में, बिकॉज कहीं नींद ना आ जाए ना. मैं सुबह सुबह ट्रेवल करता हूँ, सुबह 4-5 बजे मस्त उठ के, 3 बजे उठ के. फाइनली दिल्ली वाले घर पे पहुंच चुके हैं, और टाइम देखो 2:30 बज रहे हैं. अब फिलहाल थोड़ा काम कर रहा हूँ. तो भी गई सुबह के 7 बज चुके हैं, मैं 3 घंटे सो गया था. अब फिलहाल मस्त नहा धो के रेडी हो गया हूँ, अब निकलता हूँ एयरपोर्ट के लिए. मैं जा रहा हूँ प्रणव भाई के साथ में, बाकी साहिल और चाचा जी यहीं पे रहेंगे. ये देखो भाई, गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग गाइस. ये देखो, ये बढ़िया है, पूरे पैर सीधे कर सकते हैं यहाँ पे मस्त. अपने आप देखो, अपने आप खुल गया, बंद भी खुद हो जाएगा. देखो सारे मैच देखने जा रहे हैं हमारी फ्लाइट में, जो भी जा रहे हैं भाई. तो गाइस प्लेन में बैठ गए हैं, अब चलते हैं सीधा मुंबई और जितवाते हैं इंडिया को. तो गाइस मुंबई पहुंच चुके हैं, अब जा रहे हैं होटल. आज हम जा रहे हैं ऑटो में. तो गाइस होटल पहुंच गए हैं, जल्दी से चेक इन करते हैं. और 1 बजने वाले, 2 बजे मैच स्टार्ट है, हमको जल्दी से पहुंचना है यहाँ से. और यहाँ पे देखो कौन आया है, अभ्युदय भाई आ चुके हैं. गुड लक चाम. हमने मंगाई अपनी जर्सी, इंडियन जर्सी, तो वही डाल के जाएंगे हम भी. और साथ में मितपेट भाई, उर्मिला, गौतमी सब आने वाले हैं, और देखते कौन लोग मिलते हैं वहाँ पे. गाइस ये रूम देखो कितना सुंदर लग रहा है, यहाँ पे 2 बेड है, एक बेड मेरा, एक प्रणव भाई का. सामने एयरपोर्ट है वहाँ पे. तो भी गाइस बस वेट कर रहे हैं हम हमारी जर्सी का, जर्सी आ रही है और फिर निकलते हैं सीधा स्टेडियम के लिए. और गाइस आज हमारी बहुत स्पेशल टिकट है, प्रेजिडेंट बॉक्स. नॉर्मल टिकट नहीं है, जैसे नॉर्मली पब्लिक बैठते हैं ना, वॉल टिकट नहीं है. तो देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है, आप लोगों को दिखाऊंगा कंप्लीट. पढ़ो पढ़ो, अपनी जर्सी आ चुकी है, जल्दी से डालते हैं और चलो भाई रेडी है, जर्सी डाल ली है, चलते हैं सीधा. गाइज हम लेट हो रहे हैं यार, टॉस हो चुका है और इंडिया ने चूज किया है बैट, तो इंडिया की बैटिंग होगी अभी. पता नहीं हम कब पहुंचेंगे यार, बहुत लेट हो गई, इतनी जल्दी आने के बावजूद भी लेट हो गए हम. गाइज मैच स्टार्ट हो चुका है, 4 चौके भी लग चुके हैं, ऊपर से इतना ट्रैफिक हो रहा है ना, तो हम फोन में ही देख रहे हैं. देखो अभी भागे उतर के, चलो एक काम करें, उतर के ट्रेन पकड़ते हैं. सच बता रहा हूँ, अभी कितने कितने किलोमीटर बाकी है, कितने किलोमीटर? 2.5 किलोमीटर है. पोपट होना ही होता है हमेशा. हाँ विनोद भाई, क्या हो रहा है हमारे साथ में, पहले BMW में, फिर प्लेन में, फिर ऑटो में, फिर कार में, अब दोबारा अब ट्रेन में. फाइनली ट्रेन मिल गई है. ट्रेन चेंज करनी है क्या? अबे ये क्या था, एक ट्रेन से दूसरी ट्रेन में. फाइनली अब जा रहे हैं स्टेडियम के अंदर, टिकट लेके अपनी अपनी. तो गाइस फाइनली इतनी मेहनत करने के बाद हम पहुंच चुके हैं स्टेडियम में, और सामने चल रहा है मैच, दिखाता हूं आपको. इंडिया के हो गए हैं 84, लेकिन एक आउट भी हो गया, रोहित शर्मा आउट हो गया यार, बट कोई बात नहीं, अभी कोहली और गिल खेल रहे हैं. तो दिखाता हूं आपको सामने, भाई इतना सुंदर लग रहा है ना स्टेडियम, मस्त एक. गाइस यहां पे पता है हमारे बगल में कौन कौन बैठा है, मतलब बहुत सारे बॉलीवुड के एक्टर्स, एक्टर और एक्ट्रेस बैठे हुए हैं. हमारे बगल में अनुष्का शर्मा मैम बैठे हैं,
और शाहिद कपूर, सचिन तेंदुलकर। गाइज मेरा तो फर्स्ट टाइम है इतने सारे बॉलीवुड एक्टर और एक्ट्रेस को सामने से देखना। गाइज समझ में नहीं आ रहा, इधर देखें या इधर देखें, इतने सारे पॉपुलर लोग बैठे हैं इधर। तो फिलहाल लंच करते हैं, दाल चावल यहाँ बुफे भी लगा हुआ है मस्त। खाना पीना हो चुका है मस्त। हमारे पीछे देखो कौन है, और हमारे पीछे देखो कौन है। आप जब व्लॉगिंग करते हो आप कट्स पे करते हो ना, मतलब पूरा टाइम नहीं करते ना, तो आपका ट्रांजिशन कैसे हो जाता है? मतलब वो मैं एडिट करता हूँ ना, एडिट करता मैं पूरा शूट नहीं करता, थोड़ा थोड़ा आपको दिखा दिया, थोड़ा सचिन सर का, थोड़ा किसी का, थोड़ा किसी का। यहाँ पे फ्लाइंग भी 350 बनाएंगे, 350 फ्लाइंग भी सर भी आ गए यहाँ पे। इंडिया के हो चुके हैं 268/1, कोहली 94। भाई कोहली सिर्फ एक छक्का मार दे बस 100 हो जाएंगे। इंडिया ने बनाई 397। गाइस यहाँ पे खाने के लिए सब कुछ है, सब कुछ है, देखो पूरा एरिया खाने वाला है, पूरा बुफे लगा हुआ है यहाँ पे मस्त सब कुछ। गाइस मेरे को तो शर्म आ रही है इतने बड़े बड़े लोगों के बीच में ब्लॉग करने में भाई, इसलिए मैं ब्लॉग कर ही नहीं पा रहा, देखो मेरे घबराहट सी हो रही है। गाइस अभी तो हम मस्त मैच देखे जा रहे हैं, 25 ओवर हो चुके हैं, 25 ओवर बाकी है। खाना खाने आए हो सिर्फ मैच देखने कम और तो फिलहाल अब डिनर कर रहे हैं हम। ये मैं दूसरी बार है मैच देखने आया हूँ, और दूसरी बार भी आप मिले मुझे। 10 ओवर में 130 रन चाहिए 10 ओवर में। गाइस हमने बोला ही था पहले कि हम जितवा के आएंगे, तो जितवा के ही जाएंगे अब तो। भाई हम सुबह से चिल्ला रहे हैं 100 ओवर होने वाले हैं, 100 ओवर सुबह से चिल्ला रहे हैं। एक और विकेट, ये सिर्फ लास्ट विकेट रह गया, सिर्फ लास्ट विकेट। भाई जो नेक्स्ट लेवल मजा आया ना मैच में, भाई लास्ट में तो इतना मजा आया, मतलब एक बार तो ऐसा लग रहा था भाई न्यूजीलैंड वाले तगड़े मार रहे थे, बट जब आउट होने शुरू हुए तो ऐसे आउट हुए कि सारे ही आउट हो गए। मिथपेट भाई तो दिखे ही नहीं भाई, तो बहुत मस्त खेला यार आज, मस्त खेला ना, मेरी वजह से इंडिया जीत गया। अभी क्या बोल रहे आपकी वजह से जीती, क्योंकि पहली बार देखने आया ना मैच, तेरे साथ देखने में और मजा आ गया। तो गाइस अब मैं आपको देता हूँ पूरा टूर यहाँ का। पहले तो लोग बैठे थे ना, आप सारे जा चुके हैं यहाँ पे, देखो तो देखो हमारी यहाँ पे सीट थी, यहाँ पे हम बैठे थे मस्त, और सामने पूरा स्टेडियम दिखता है यहाँ से, और यहाँ से बाहर जाने पे यहाँ भी बैठ सकते हैं, एसी वैसी सब लगा हुआ है, और यहाँ पे सारा खाने पीने का है सर, पूरा बुफे वुफे खाना का टेबल वेबल लगे हुए, यहाँ पे स्क्रीन लगी हुई है, यहाँ भी मैच चल रहा था, जिसको मैच यहाँ से देखना है खाना खाते हुए यहाँ से देख सकते हैं। तो हाँ ये पूरा एरिया है, देखो ये वाली सीट्स तो बहुत ही मस्त है, यहाँ से भी पूरा स्टेडियम दिखता है देखो। तो अब जाने का टाइम आ चुका है, अब चलते हैं सीधा होटल। तो अभी स्टेडियम से बाहर आ गए हैं, और यहाँ पे लिखा हुआ है मस्त इंडिया विंस बाय 70 रन, जो कितना सुंदर लग रहा है, और यहाँ पे ट्रॉफी भी है। गाइज मैच के बाद ट्रैफिक का हाल दिखाऊं आपको, ये देखो भाई कितना खतरनाक ट्रैफिक लग गया मैच के बाद का ट्रैफिक देखो। तो गाइज फाइनली होटल रूम पे आ चुके हैं, और टाइम देखो रात के 2 बज गए भाई। अब मुझे एडिटिंग भी करनी है, लेकिन आज का दिन काफ़ी बेस्ट था, जैसे कि आपने देखा हम थोड़ा लेट हो गए थे, लेकिन फाइनली बहुत मज़ा आया, इंडिया जीत भी गई, और हमने फुल डांस भी किया वहाँ पे, और सबसे मेन मैंने वहाँ पे बहुत सारे एक्टर और एक्ट्रेस को देखा फर्स्ट टाइम, मतलब सारे ही आए हुए थे बॉलीवुड वाले सारे, मतलब एक टाइम ऐसा था मैं सबकी ड्राइंग बनाता था अपने आर्ट वाइजर पर उड़ करता था, और अब मेरे सामने थे भाई सारे के सारे सामने थे, मतलब सभी सेलिब्रिटी लोग सारे साथ में थे, सब साथ में खाना खा रहे हैं, सब साथ में बैठे हैं, कोई कहीं भी बैठा है, कोई किसी से मिल रहा है, फोटो खिंचवा रहे हैं, मस्त एक अलग ही वाइब थी, पहली बार मैंने एक्सपीरियंस किया तो काफ़ी अच्छा लगा। मैं तो भाई मेरे को समझ में आया था मैं मैच देखूँ या उनको देखूँ, बिकॉज पहली बार देख रहा था सबको। तो चलो फिलहाल मैं एडिटिंग शुरू करूंगा, इसलिए करता हूँ एंड। आई होप आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कर देना एंड चैनल पर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हे गाइस गुड नाइट, अभी जाएंगे, फिर हमें एडिटिंग भी कंप्लीट करनी है, उसके बाद अभी जाना है, फिर हल्द्वानी भी निकलना है, तो इधर ही ब्लॉग को एंड करते हैं।